शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसने बुर्ज खलीफा का नाम ना सुना हो। दुबई की पहचान बन चुकी है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी लागत 8 बिलियन डॉलर है, जिसको बनाकर तैयार करने में दुनिया भर के नामवर इंजीनियर को 6 साल लग गए थे। इस इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जो लोग देखने जा नहीं सके उन्होंने तस्वीरों में या फिल्मों में तो देख ही रखा है। इस बीच यूएई में एक अजूबा देखने को मिला जिसे दुनिया भर ने नज़रअंदाज कर दिया। 8 बिलियन डॉलर की मालियत वाली बुर्ज खलीफा को तो सबने देखा ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएई में पिछले दिनों एक 875 बिलियन डॉलर कीमत की मालियत वाली एक इमारत महज चंद घंटों में बनकर तैयार हो गई। लेकिन कमी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। हम आपको वो 875 अरब डॉलर वाली मालियत वाली इमारत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले 8 अरब डॉलर वाली बुर्ज खलीफा की कुछ जानकारी देते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो दुबई में है। ये करीब 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित हुई है। ये करीब 830 मीटर ऊंची इमारत है। इसका इफ्तिताह 4 जनवरी 2009 को किया गया था। इसमें तैराकी, खरीदारी और दफ्तर, सिनेमाघर सहित सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस इमारत में करीब 163 फ्लोर हैं जिसमें सबसे तेज़ और लंबे लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम ही दर्ज है। अगर साधारण भाषा में बोलें तो इससे ऊंची इमारत दुनिया भर में कोई नहीं है। 8 अरब डॉलर की मान्यता वाली बुर्ज खलीफा को तो देखकर किसी की भी आंखें चांदी आ सकती है। लेकिन क्या होगा जब आपके सामने 875 अरब डॉलर की मालिया वाली इमारत आएगी? चले हम आपको वह नज़ारा दिखाने वाले हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर अब जो नज़ारा है वह आपके दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। गौर से देखिए ये 875 अरब। गौर से देखिए, ये कब्र है जिसमें सदा के लिए सो रहे संयुक्त अरब अमीरात के अमीर शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, जिनका शुक्रवार 13 मई 2022 को 73 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया है। शेख खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। 13 मई 2022 को 73 वर्ष की आयु में शेख खलीफा का निधन हो गया। उन्हें अबू धाबी के अल बातिन कब्रस्तान में दफनाया गया। एक अनुमान के मुताबिक निधन के समय उनकी मलकियत 875 अरब डॉलर थी। यानी अगर ये कहा जाए कि 2 गज ज़मीन के टुकड़े पर कच्ची मिट्टी की इमारत ही उनका वो महल है जिसमें सदा के लिए 875 बिलियन डॉलर के मालिक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान हमेशा आराम में ही रहे।